तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे पार्ट इनडेफिनेट का। आपने पढ़ा अफर्मेटिव निगेटिव, अब आपको पढ़ाने जा रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसको ध्यान दीजिएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, इसको क्या बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। आपका इंटरोगेटिव, अब रूल हम देख लेंगे। रूल नंबर वन, इंटरोगेटिव के दो रूल है। पहला रूल हम निकाले जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यदि प्रश्नवाचक शब्द बोला गया, यदि प्रश्नवाचक, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले अर्थात शुरुआत में है, वाक्य के पहले आ जाए तो सबसे पहले हम लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आ जाए चाहे कोई भी टेंस वर्ब हो उसकी हेल्पिंग वर्ब भी उसका, जैसे यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आ जाए तो सबसे पहले क्या लिखेंगे। अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आता है तो प्रश्नवाचक शब्द की जो अंग्रेजी होती है उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, सहायक क्रिया होती है। तो आ जाए तो सबसे पहले क्या लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसका, डिड। सबसे पहले डिड लिखोगे, तब क्या लिखोगे, सब्जेक्ट लिखोगे। इसके बाद क्या लिखोगे, वर्ब की प्रथमा। तो ऑलरेडी बताया कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड बनती है इसके बाद नहीं लगेगा। सब्जेक्ट हो गया प्लस वर्ब की प्रथमा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ई, ये आपका रूल है। अब हम एक उदाहरण एग्जांपल दे रहे हैं आपको, जैसे आ गया क्या वह खाना पकाया, एक एग्जांपल ले लूं, क्या वह खाना पकाया, क्वेश्चन मार्क, क्या वह खाना पकाया। तो हमने क्या दिया, सबसे पहले क्या लिखे, हेल्पिंग वर्ब डिड। डिड ही क्या की इंग्लिश हो गई, डिड। अब लड़का है डिड ही, वर्ब की कौन सी फॉर्म, वर्ब की फॉर्म डिड ही कुक, उसके बाद ऑब्जेक्ट, एकदम आसान सा। डिड लिखा ही सब्जेक्ट हो गया, कुक वर्ब की फर्स्ट पार्ट, पका ली वो हो गया था। अब दूसरा हम रूल देख लेंगे, ऐसे बहुत सारे आप एग्जाम्पल दे सकते हो, क्या वह गीत गाया, क्या वह खाना खाया, क्या वह स्कूल गया, क्या वह कल हमें देखा, ये सब सारी चीज़ें आप देख सकते हो, आप शेयर कर सकते हो। कोई भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखेंगे। अब हम चलेंगे आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस का दूसरा रूल, इसमें दूसरा रूल हम देख सकते हैं, यदि प्रश्नवाचक शब्द, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए, बीच में आ जाए तो हम क्या लिखेंगे। तो पहले था अब बीच में आ गया, तो हम सबसे पहले, तो सबसे पहले उसको आंसर से बाहर निकालो। प्रश्नवाचक शब्द की एंट्री सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, जो भी प्रश्नवाचक शब्द रहेगा उसकी इंग्लिश हमको लिख देना सबसे पहले। इसके बाद क्या लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब, सेम रूल आ गया, डिड आ गया, इसके बाद सब्जेक्ट लिख लो, इतना बड़ा इसमें सब्जेक्ट लिखो, इसके बाद क्या लिखोगे, वर्ब की फर्स्ट पार्ट लिख लो प्लस ऑब्जेक्ट लिख लो,
प्लस ईबीसी एक्सेट्रा। ये आपका होमवर्क है, एक एग्जांपल आपको दे देता हूं, आराम से इसको कर सकते हो। एकदम सामने आपका तुम अपनी माँ के साथ कुछ थोड़ा लिखन दे दो। तुम अपनी माँ के साथ स्कूल क्यों गए? अब चलो इतना बड़ा सेंटेंस दे दिया। प्रश्नवाचक शब्द कहाँ है? प्रश्नवाचक शब्द किधर है? WH वर्ब ये है। इसमें बताया गया है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो वाक्य के बीच में देखो सब्जेक्ट के बाद वाक्य में क्यों गए? तुम अपनी माँ के साथ स्कूल क्यों गए? तो क्यों की अंग्रेजी हम सबसे पहले सीखते हैं। प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है यह तो आपको बताया जा चुका है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको ध्यान दिए होंगे। वाई इसके बाद बताया है क्या लिखोगे जी? अब क्या लिखा गया? सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट यू है। अब क्या है वर्ब की फर्स्ट पार्ट? वर्ब की फर्स्ट पार्ट स्कूल गए मतलब जाना क्या पर हम क्या हो गया Why did you go to school? कहाँ जा रहा है object? Go to school. अब कह रहा है अपनी माँ के साथ। मैंने अपनी कैंसिल बहुत पहले स्टार्टिंग में दिया था, उस पर आप ध्यान दीजिए। तुम अपनी माँ के साथ, तुम के साथ अपनी की इंग्लिश क्या होती है? तो यहाँ पर अपनी की इंग्लिश क्या होगी? Why did you go to school with के साथ with Your mother. Why did you go to school with your mother? तुम अपनी माँ के साथ स्कूल क्यों गए? ये आपका हो गया। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हो। किसी प्रकार का प्रॉब्लम आपको होता है तो कमेंट बॉक्स पर जरूर शेयर करें, लाइक जरूर कर, लाइक करना कभी ना भूलें। थैंक यू।